कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नगर निगम द्वारा महानगर में सैनिटाइजेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। महानगर के 70 वार्डों को सैनिटाइज करने के लिए 40 वाहनों को लगाया गया है। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा सके। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजेशन से काफी हद तक संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि जितने भी प्रमुख मार्केट और कंटेनमेंट जोन है वहां पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। हॉस्पिटल, मार्केट, कमर्शियल जगहों के साथ अन्य स्थलों को 40 वाहनों के साथ सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। साथ ही नगर आयुक्त ने बताया कि अंत्येष्टि स्थल पर भी सैनिटाइजेशन लगातार किया जा रहा है, जिससे वहां आने वाले लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अंत्येष्टि स्थल पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी रोकने के लिए बैनर पोस्टर लगाया गया है, जिससे अंत्येष्टि करने आने वाले लोगों को किसी प्रकार से परेशानी ना होने पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया। जैसा कि आपके भी संज्ञान में है, कोरोना की जो दूसरी लहर है बहुत तेजी के साथ जो है वो आम जनमानस को संक्रमित कर रही है, और कोरोना वायरस के संक्रमण की इस चेन को ब्रेक करने के लिए नगर निगम प्रशासन लगातार पूरी ताकत के साथ प्रयास कर रहा है। और इसी कड़ी में लगभग एक महीने से ऊपर के समय में नगर के समस्त 70 वार्डों में हैवी व्हीकल्स, हैंडहेल्ड मशीनें और अन्य संसाधनों के माध्यम से लगातार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन की इस प्रक्रिया में हम जहां पे बड़े बड़े हमारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, महिला अस्पताल, जो हमें बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, बड़े बड़े मार्केट जहाँ पे भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है, उन सभी जगहों पर हम लोग सैनिटाइजेशन पे जोर दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारी नाइट सैनिटाइजेशन भी चल रहा है। जैसे कि आज रात में हमारा ये जो दवाइयों का थोक विक्रेता वाला जो मार्केट है वहाँ पे सैनिटाइज पूरा कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ हमने हर जो हमारे जोन है, 4 जोन है, हर जोन में 12-12 गाड़ियाँ दे रखी हैं, जिसमें 8 गाड़ियाँ छोटी हैं और 4-4 गाड़ियाँ बड़ी हैं, जिनके माध्यम से जो जितनी भी हमारी गलियां हैं, जितने भी हमारे वार्ड हैं, प्रत्येक घर हैं, वहां पर डोर टू डोर, हाउस टू हाउस सैनिटाइज कराने का काम किया जा रहा है। इसमें हमारे 10 जो है कर्मचारी वो भी हैं जो कि हैंडहेल्ड मैनुअली जो है सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया में आज हम लोग सुबह जो है जो हमारा अंत्येष्टि स्थल है वहाँ भी गए थे। वहाँ पर हम लोगों ने पूरे एरिया को लगभग 10 गाड़ियों से चारों तरफ से कवर करते हुए इसको व्यापक तरीके से उसको सैनिटाइज किया, जिससे कि वहाँ पर जो कोरोना संक्रमण की चेन है पूरी तरह से ब्रेक हो जाए। इसके साथ ही साथ जो है वहाँ पर नीचे की तरफ भी जहाँ जाकर जहाँ पे दाह संस्कार होता है, जिससे कि संक्रमण की कोई गुंजाइश नहीं, वहाँ पर कराया गया। पूरी साफ सफाई विशेष अभियान चलाया गया। वहाँ पर जो हेल्प डेस्क बनी हुई है उसका निरीक्षण किया गया। प्लस हमारी जो वहाँ पे ग्रीन क्रीमेटोरियम है, जिसमें कि हमारी 3 मशीनें लगी हुई हैं, 2 तो वुडन की हैं और 1 जो है LPG गैस से है। इसके अलावा हम लोग वहाँ पर 1 LPG गैस का संयंत्र अगले 7 डेज में हम लोग और लगाने जा रहे हैं, जिसकी पूरी औपचारिकताएँ पूर्ण हो गई हैं। वो दिल्ली से आना है बन के चैम्बर। तो
इसके साथ ही साथ जो हमारे वहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं वहाँ पर भी जो दाह संस्कार की कार्यवाही चल रही है, कार्य चल रहा है, उसको पूरी तरह से कहीं से कोई उसमें अव्यवस्था ना हो उस पर नज़र रखने के लिए हम लोग आज सुबह वहाँ पे गए थे। और अभी थोड़ी 7:30 बजे करीब हम लोग 7:30 से 8 बजे का फिर वहाँ एक बार हम लोग का चक्कर लगेगा। कहने का आशय यह है कि नगर निगम के जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं लगातार अंत्येष्टि स्थल पर हर 2 घंटे पर कोई कोई ना कोई वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर जाकर सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। देखने में ये आ रहा है कि कहीं कुछ कभी कोविड से असामयिक मृत्यु हो जाने पर रात में भी 12 बजे के बाद भी वहाँ पर जो कोविड से मृत व्यक्तियों के शव आए हैं। और ऐसे में कई बार ये देखा गया कि हमारे अधिक आदमी वहाँ चले गए और वहाँ जो नीचे रहने वाले लोग होते हैं, अन्य लोग होते हैं, इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो बार्गेनिंग करना या अन्य अन्य पैसे की बातें करते हैं। इसको रोकने के लिए हम लोगों ने जहाँ पर ये प्रयास किया कि हम रात में भी पूरी तरह से ड्यूटी लगा रहे हैं कि रात में भी हमारे आदमी वहाँ पर शाम को एक शिफ्ट चला रहे हैं जो 8 बजे से लेकर सुबह तक वहाँ पर रहे। और किसी भी मुख्य उद्देश्य ये है कि चूंकि हिंदू धर्म के अनुसार जो ये अंतिम संस्कार हमारा है दाह संस्कार, उसमें जो भी कोविड से मृत लोगों के जो सब वहाँ पर आए उनके परिवारजन को वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना रहे, और इसी के लिए हमने सारी व्यवस्थाओं को वहाँ निःशुल्क कर दिया गया है। यहाँ तक कि जिस कॉन्ट्रेक्टर को हम लोगों ने कॉन्टेक्ट भी किया था जो कि एक रजिस्ट्रेशन का 200 और जो ग्रीन क्रीमेटोरियम में जो डेड बॉडी के एक दाह संस्कार के लिए 1800 रुपये लेता था, उस कॉन्ट्रेक्टर का भी हम लोगों ने सारा पैसा जो है निःशुल्क कर दिया है। और वहाँ पर सारी जो हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी भी हम सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए उनको हमने पीपी किट दे रखा है, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर सबकी व्यवस्था है उनके लिए, सुबह और शाम नाश्ते की, दोपहर में लंच की, जिससे कि चूंकि इस वक्त वो लगातार वहाँ पे मौजूद रहते हैं कि कब कौन सा शव अगर आ जाता है तो किसी प्रकार की वहाँ डिले ना हो, लेट ना हो। और क्योंकि ऐसे ये बहुत दुख की घड़ी है, परिवारजन बहुत ही शोक संतप्त होते हैं तो ऐसे में उनके दुख में शरीक होना और उसके लिए सब लोग वहाँ मौजूद हैं, इन सब चीज़ों को व्यवस्थाओं को देखने के उद्देश्य से लगातार कुछ लोग वहाँ ऐसे भी होते हैं जो पुल से या साइड से आके इसकी वीडियोग्राफी करते हैं या फोटोग्राफी करते हैं, तो उनको भी तो परिवारजन को बुरा लगता है, तो इसलिए हमने वहाँ पर बैनर भी लगवाया है कि यहाँ पर इस प्रकार की कोई ऐसी कार्रवाई ना करे जिससे किसी के दिल को ठेस पहुँचे, किसी के मन को चोट पहुँचे। तो कहने का ये कि ये नगर निगम का एक संवेदनशीलता से भरा हुआ एक चेहरा है, एक अपने शहर के जो हमारे निवासी हैं, हमारे शहर के शहरी हैं, उनके साथ दुख की इस घड़ी में खड़े होने का, और साथ साथ प्रयास ये कि जो सैनिटाइजेशन हम इस प्रकार से चला रहे हैं कि आप कह सकते हो कि एक सुबह चलता है, एक दोपहर में और एक रात में, तो उद्देश्य यही है किसी न किसी प्रकार से जो संक्रमण की जो स्पीड है उसको हम ब्रेक कर सकें, उसको एक जितना कम कर सकते हो उतना कम कर सकें। और इसमें एक बार मैं पुनः अपने शहर के समस्त बासिंदों को, सभ्रांत नागरिकों को एक अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने घरों से तभी बाहर आएं जब उनको लगे कि अब बिना बाहर निकले काम उनका नहीं चलेगा, तभी आएं। और बाहर आएं भी तो कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए मास्क अवश्य लगाए रखें, मास्क को लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और जब अगर किसी से बात करने की ज़रूरत भी पड़ती है तो 2 गज की दूरी का अवश्य पालन करें। क्योंकि तो हमेशा ध्यान रखिए अगर हमने कहीं पर भी हमसे मतलब कोई सावधानी हमारी ज़रा भी उसमें सावधानी में चूक होगी तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए ही नहीं अन्य लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन जाएगा। हमने इसीलिए पूरे शहरी क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर कि कोरोना से बचाव के क्या क्या लक्षण हैं और इस संकट के इस घड़ी में किस प्रकार से हमारा शासन, हमारा नगर निगम का प्रशासन किस प्रकार आपके साथ खड़ा है, उस जगह जगह बोर्ड में प्रचार के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य इसको लगवाया गया है जिससे लोग पढ़े और उन चीज़ों को अप्लाई करें। और वो निश्चित रूप से इस प्रकार की चीज़ों को पढ़ने से, समझने से कोरोना से जंग लड़ने में उनको निश्चित रूप से एक फ़ायदा होगा और निश्चित रूप से इस जंग में वो सफल होंगे।